केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सीटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। ईद के अवसर पर सड़क पर नवाजने हो, इसके लिए शासन व प्रशासन कटिबद्ध है। बावजूद इसके मेरठ में तमाम जगह पिछली बार भी सड़क रोककर नमाज पढ़ी गई थी। इस बार फिर से प्रशासन ने चेताया है कि अगर ऐसा होता है तो संबंधित लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। वहीं हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही ने कहा है कि यदि सड़क रोककर नमाज पढ़ी जाती है तो वह इसके विरोध में सड़क पर हनुमान चालीसा व सुंदरकांड का पाठ करेंगे। इस बारे में सचिन सिरोही ने यह जानकारी दी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी के आदेश है कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पे, चाहे वो सड़क हो चूच हो, उस पे नमाज अदा नहीं की जाएगी। और सभी धर्मों के लिए, तो ये विशेष धर्म नहीं है जिसके लिए इस तरीके से जो है पिछले 6 वर्ष हो गए मुख्यमंत्री की सरकार को, और बहुत अच्छा जो है अनुशासन हर जगह प्रदेश भर में जो है मान रहे। तो यहाँ पर पिछले 2 वर्ष से लगातार सड़क पे नमाज अदा की जा रही है, और परसों ईद है, अभी 2 महीने पहले भी ईद गई है, उस पर भी जो है लगभग 1500 आदमियों ने वहाँ नमाज अदा की। उसकी वीडियो वगैरह भी मेरे पास है, मैंने ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी को भिजवाई भी है वो वीडियो, कि भाई इस तरीके से मेरठ के अंदर मेरठ का पुलिस प्रशासन जो है वो नहीं रोक पा रहा, तो नाकाम हो रहा है उस चीज़ में। बैठकें भी करते हैं वो लोग, मेहनत भी करता है मेरठ पुलिस प्रशासन, बहुत मेहनत करता है कि भाई वहाँ पे उन लोगों को समझाता है कि भाई कारी जी या जो मौलाना है कि आप लोग यहाँ नमाज अदा मत करवा, पर उनका कहना भी नहीं सुन रहे वो लोग प्रशासन का भी नहीं सुन रहे। तो मैं कह रहा हूँ जब नहीं सुन रहे तो उन लोगों के खिलाफ भी FIR दर्ज करो, जैसे और जगह हुई। देखिए, अगर नमाज अदा होगी तो सभी धर्मों के लिए कानून है, खाली एक धर्म के लिए विशेष नहीं है जो उसे छूट मिलेगी। हम लोगों भी उसी जगह पे जहाँ नमाज अदा होगी वहीं पे जो है सुंदरकांड भी होगा, हनुमान चालीसा भी होगी, और अन्य आयोजन भी हो सकते हैं, और वो भी बिना किसी प्रशासन की अनुमति के, क्योंकि नमाज पढ़ने की अनुमति सड़क पे उन लोगों को भी किसी ने दी नहीं है इस उत्तर प्रदेश के अंदर। और मेरठ के अंदर कोई इनके पास अनुमति है तो हमें दिखा दो, हम वीडियो है हमारे पास, पिछले 2 महीने भी 2 साल से लगातार हो रहा है, 6 वर्ष में से 2 साल से लगातार हो रहा है। और हम मेरठ पुलिस प्रशासन को ये चेतावनी दे रहे हैं कि पूरा हिंदू समाज, सारे हिंदू संगठन के लोग, यहाँ की बैठक हुई हमारी, उसमें हर तरीके से हम विरोध करेंगे इस चीज का। और जो रास्ता बंद होता है, अभी पिछले 2 महीने पहले भी जो रास्ता बंद हुआ रेलवे रोड चौराहे से लेकर मेट्रो प्लाजा तक का, वो मेन रास्ता मेरठ के अंदर दिल्ली रोड, क्यों बंद करी जा रही है वो रोड? उस रोड को सुचारू रूप से ईद वाले दिन भी वो खुलेगी, और सड़क पे नमाज नहीं होगी। अगर होगी तो हम लोग भी उसी तरीके से जैसे वो अपना धार्मिक सड़क पे पाक साफ जगह पे नमाज होती है, ये पाक साफ, मुझे तो लगता नहीं कि जो सड़क है उस पर दिन भर इतनी ज्यादा गंदगी रहती है, उस पर आप क्यों कर रहे हैं? एक माहौल भय का बनाने के लिए हिंदू समाज के लिए आप ऐसा कर रहे हैं, तो गलत है कार्रवाई। जब हम जेल जा सकते हैं, हम पे मुकदमे हो सकते हैं, तो वो भी उन पे भी जो है आप जो है मुकदमे लिख के जेल भेज। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।